हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को IRCTC में अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आपको पता होता है, और बहुत सारा ऐसा ऑप्शन भी है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो ऑप्शन है क्या, जो कि आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन आप यस नो या और भी बहुत कुछ में आप गड़बड़ा जाते हैं उस ऑप्शन को क्या किया जाए। ठीक है, तो वैसे ही आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ उस टाइप का ऑप्शन दिखाने वाला हूं, और उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि वो ऑप्शन वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन आप जब टिकट बुकिंग के दौरान जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको देखने को मिलता है। इस कन्फर्मेशन मैसेज का मतलब ये होता है कि आप जिस ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं उसमें वेटिंग लिस्ट टिकट जा चुका है। अगर आप फिर भी अगर आप वेटिंग बुकिंग करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पे क्लिक करने से होगा क्या कि आपका जो अकाउंट का जो चार्ज कटा हुआ है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप यस पे क्लिक कर देते हैं तो होता क्या है कि आप जो वेटिंग टिकट बुकिंग किए हैं, अगर चार्ज लगने के बाद कन्फर्म नहीं होता है तो आपका 60 रुपये प्लस GST जो कन्वीनियंस फीस लगता है वो काट के आपको रिफंड किया जाएगा। तो ज़्यादातर लोग तत्काल के समय में नो ही करते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए आप इस ऑप्शन को देख के आप ज़्यादातर नो ही करिएगा तो आपको मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सेम इसी तरह से एक और ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आपको जब आप टिकट का पेमेंट कर देते हैं तो आपको ये कन्फर्मेशन मैसेज देखने को मिलता है IRCTC की वेबसाइट में या IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप जिन लोगों का पैसेंजर का टिकट बुकिंग कर रहे हैं उनका एक कोच में टिकट बुक नहीं हो पा रहा, डिफरेंट कोच में बुकिंग मतलब मिल पा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ अब डिफरेंट कोच में जैसे कि पैसेंजर्स का जो टिकट मिल रहा है कि मतलब 2 लोगों का इसमें, 1 लोग का उसमें या 3 लोग का उसमें, इस टाइप का अगर आप चाहते हैं तो आप यस पे बुकिंग कर सकते हैं। यस पे करके आप कंफर्म टिकट ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि नहीं हमको सबको एक साथ ही टिकट चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए, तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है, जिनको इस सब के बारे में पता नहीं होता है कि ऐसा ऑप्शन कब आता है, किस वक्त आता है। इसीलिए मैं आपको ये ऑप्शन भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये कन्फर्मेशन मैसेज उसी वक्त आता है जब आपका पेमेंट अकाउंट से कट जाता है, जब आपको सीट मिलने वाला होता है उसी समय आपको ये ऑप्शन आता है कि आपका जो बर्थ है वो डिफरेंट कोच में मिला है, एक कोच में नहीं हो पा रहा। अगर आप एक कोच में लेना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए, डिफरेंट कोच में लेना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, आपको डिफरेंट कोच में सीट मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से एक और ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बता दूं। इस ऑप्शन के बारे में काफ़ी लोग जानते भी होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी जानते। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो आपको ऑप्शन मिलता है ये आप टिकट बुकिंग के दौरान ही आपको देखने को मिलता है। इस ऑप्शन के तहत होता क्या है कि अगर आप वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग कर रहे हैं, वो चाहे 2S में, चाहे स्लीपर में, चाहे 3rd AC, चाहे 2nd AC या 1st AC, जो भी में आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, अगर आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन यूज़ करते हैं, इससे होता क्या है कि अगर आप स्लीपर में टिकट बुकिंग किए हैं वेटिंग टिकट, अगर स्लीपर में सीट खाली नहीं रहा, अगर वही आप जहां से जहां तक का बुकिंग किए हैं 3rd AC में अगर खाली रहा, तो आपका जो स्लीपर का बुकिंग है वो 3rd AC में अपग्रेड हो जाता है, या 3rd AC में भी खाली नहीं रहा तो 2nd AC में अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर करके वेटिंग टिकट बुक करते वक्त अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपको इस ऑप्शन से आपको फ़ायदा हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है, बहुत बार हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, ये ऑप्शन ज़्यादातर करके तत्काल के समय में बुक किया जाता है। अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं तो ये ऑप्शन का ज़्यादातर करके इस्तेमाल करिएगा। इससे आपको होगा क्या कि अगर आप टिकट बुकिंग के दौरान, आपको देखे होंगे बहुत बार कि सीट दिखाते हुए भी टिकट वेटिंग चला जाता है, और बहुत लोग वेटिंग टिकट बुक कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन यूज़ करके आपको होगा क्या कि आप वेटिंग टिकट से बच जाइएगा। ठीक है, आप वेटिंग टिकट आपको मिलेगा ही नहीं, आपको कंफर्म सीट अगर होगा, कंफर्म सीट अवेलेबल होगा तो आपको कंफर्म सीट ही मिलेगा, नहीं तो आपको वेटिंग टिकट नहीं। इसके बाद एक और ऑप्शन है जिसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन भी आपको टिकट बुकिंग के दौरान ही आपको देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन चॉइस। रिजर्वेशन चॉइस में आप क्लिक करिएगा तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि पहला है नॉन, अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो इसमें नॉन ऑप्शन करेंगे तो क्या होगा बता देते हैं, नॉन देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर में बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी टिकट बुकिंग कर रहे हैं क्या आपको सब सारा सीट या मतलब एक ही कोच में चाहिए, इसका मतलब ये होता है। दूसरा नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज एलोकेटेड, जैसे आप 2-4 लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे हैं, क्या उन लोगों में से किसी एक को लोअर बर्थ एकदम मोस्ट है चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं।
चौथा नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको, बुक ओनली इफ टू लोअर बर्थ आर एलोकेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो भी लोगों का पैसेंजर्स का टिकट बुकिंग कर रहे हैं उनको क्या दो लोअर बर्थ कंपलसरी चाहिए या नहीं। अगर दो लोअर बर्थ कंपलसरी चाहिए तो आप दो लोअर बर्थ पर क्लिक करके आप अगला टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर रेलवे के पास दो लोअर बर्थ अवेलेबल रहेगा तो आपको दो लोअर बर्थ मिलेगा, नहीं तो आपको उसमें भी पॉपअप में से शो कर देगा कि लोअर बर्थ अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो भी सीट लेना आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन का मतलब यही होता है, अगर आपको एक साथ एक मतलब एक ही कोच में सभी लोगों का बुकिंग करवाना है सारे पैसेंजर्स का टिकट, तो आप बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच पे क्लिक करके आप टिकट बुक कर सकते हैं एक साथ में, आपका डिफरेंट कोच में बुकिंग नहीं होगा। ठीक, तो मैं इन्हीं सब ऑप्शनों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला था। तो आई होप कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच